आदेशानुसार ये सातवां सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जो शेयर करवाना चाहेंगे मैं शेयर करूँगी। सत्संग तो बहुत सारे होते हैं संगत जी, इसलिए हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें पहले कौन सा बाद में करें, पर गुरु जी महाराज का की जो इच्छा होती है वो पहले वो शेयर करवाते हैं। संगत जी कई बार होता है कि हमारे मोबाइल पर कुछ कुछ मैसेज आते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि वो मैसेज किसके लिए है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं हम उसको कि नहीं हमारे लिए नहीं होगा इस तरीके से। बट संगत जी सच मानिए, जो मैसेज आते हैं ना कई मतलब वो अगर बार बार आपके पास आ रहे हैं तो मैसेज आपके लिए ही होते हैं। ऐसी संगत जी मेरे पास बार बार मैसेज आए थे कि तू अपनी बहन को जोड़, मतलब अपनी बहन को बता, अपनी बहन से शेयर कर। तो संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या शेयर करूँ, क्योंकि संगत जी वो लोग सब बढ़िया जॉब कर रहे हैं, सब खुश हैं, तो मुझे ऐसा पता था कि सब लोग खुश हैं तो हम क्या शेयर करें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो खुशी है तो फालतू क्यों किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस करूँ, क्यों मैं मतलब वो करूँ। पर मैं टच में नहीं थी थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है। पर संगत जी फिर भी मैं अवॉइड करी। दूसरी बार फिर मेरे पास यही मैसेज आया, फिर से मैंने नज़रअंदाज किया। दो तीन बार संगत जी ऐसे ही मैसेज बार बार आ रहा था कि तू अपनी बहन से शेयर कर, बहन से शेयर कर, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मेरी सिस्टर का कॉल आया और उसने बताया मुझे कि मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, और इस तरीके से उसने बहुत सारी बातें मुझे बताई कि फैमिली में बहुत दिक्कत चल रही है, इन द सेंस कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, माइंड कुछ सेट नहीं रहता है, और मतलब लोग तीन लोग रहते हैं, भैया भाभी और वो तीनों जन रहते हैं, तो वो बहुत परेशान थी। उसको मतलब मैं कैसे बताऊँ संगत जी, बहुत ज़्यादा ही वो लोग हर तरह से परेशान थे, खास करके माइंड के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता था, आपस में लड़ाई फिराई और इस तरीके की चीज़ें चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो संगत जी उसने जब मुझसे शेयर किया तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला कि क्या बात कर रही है, बोले हाँ, जो कि मैंने बोला मैं तो सोच रही थी कि तुम सब बढ़िया खुश हो, सब जॉब में हो, तीनों के तीनों होते सब लोग खुश हो। बोले नहीं नहीं हम लोग बहुत परेशान हैं एक्चुअली, थोड़ा मतलब ऐसे होता है कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और हम आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, और इस तरीके से मतलब समझ ही नहीं आता कि किसी के अपने माइंड पर कंट्रोल ही नहीं रहता है ऐसा। तो मुझे संगत जी में बहुत वो हो गई, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैं जब बैठी ना तो मुझे मतलब गुरु जी महाराज के पास अरदास किया, मैंने बोला कैसा ऐसा। तो और भाभी भी बहुत अपसेट थी, भैया भी बहुत अपसेट था मेरा, सब लोग बहुत अपसेट थे। फिर संगत जी क्या हुआ, वो लोग है ना यहाँ आए थे, तो मैंने सोचा कि है ना उनको मैं अपने घर बुलाती हूँ, और मैंने उनको अपने घर बुलाया। मैंने बोला कि तुम लोग घर आओ एक दिन, मैं घर बुलाया और मैंने अपने मंदिर में गुरु जी महाराज का जो स्वरूप है उसके सामने बिठाया उनको, और मैंने कहा कि मतलब आप इस इनको जानते हो, तो बोले कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। फिर मैं उनसे मैंने बोला कि आप इनको मान के देखो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बोले कि नहीं अब मैं तो सब करके देख ली, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, पर उनके मन में था संगत जी कि घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। पर मुझे भी ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों गुरु जी महाराज ऐसा इंट्यूशन दे रहे थे कि उनके घर में कुछ चीज़ ऐसी है जो निगेटिव है, जो इनको परेशान कर रही है। फिर संगत जी उसके बाद मेरे पास बार बार कंटिन्यूस मैसेज आने लगा कि तेरे घर में कुछ है, और इस तरीके के जो भी मैसेज आते हैं वो आना शुरू हो गए। तो फिर संगत जी मेरे को और प्रूफ मिल गया कि नहीं ये बात सच है, कि शायद कुछ ना कुछ परेशानी इन लोगों के साथ है। फिर संगत जी मैं वो लोग दिल्ली में ही रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो तुम लोग है ना, यहाँ से जब गई मतलब मेरी भाभी, तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया, मैंने बोला जल प्रसाद दे के जाओ और अपने रूम में अपने बेड के पास रखना, और उसको हटाना मत, और जब भी लगे तुम लोग इसको ग्रहण भी करना और थोड़ा सा बचा के रखना उसको, तो ऐसे अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो गुरु जी महाराज के पास है वो सब चीज़ें बाहर निकल जाएंगे। तो उन लोगों ने वैसे ही किया संगत जी, तो उससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट लगा। फिर मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो कि तुम लोग मंदिर हो आओ। तो सच में संगत जी तीनों के तीनों मंदिर गए, और गुरु जी महाराज के छतरपुर वाले मंदिर, जब वो मंदिर गए संगत जी, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने गुरु जी महाराज ने उनको जो है लंगर ग्रहण करवाया, लंगर ग्रहण किए, उसके बाद वहाँ से उन लोग जल प्रसाद लेके आए और गुरु जी महाराज का स्वरूप भी लेके आए पॉकेट से, और स्वरूप लाके उन्होंने अपने घर में मंदिर में स्थापित किया संगत जी। और जब से वो लंगर ग्रहण करके आया, गुरु जी महाराज का जल प्रसाद लेकर के आए, उसके बाद से घर में थोड़ी सी मतलब
धीरे धीरे एक एक दो दिन लगा संगत जी। पहले दिन तो ऐसा हुआ संगत जी कि उनके जब वो सोए थे ना तो उनके हाथों में, दोनों के हाथों में, जैसे नंद की मतलब मेरी सिस्टर के और भाभी के भी दोनों के हाथों में संगत जी बहुत ऐसे जैसे कि कोई नाखून से बहुत तेज रेस्ट देता है ना, इस तरीके से पूरा निशान बना हुआ था दोनों के हाथों में, दोनों के लेफ्ट हैंड में। तो संगत जी वो लोग और डर गए, फिर इसलिए फिर जल्दी गए छतरपुर मंदिर, मंदिर जा करके वहाँ से स्वरूप लेके आए संगत जी। स्वरूप ला करके उन्होंने स्थापित किया मंदिर में, तब से घर में संगत जी बहुत शांति आई उनके, और धीरे 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 करके गुरु जी महाराज ने उनको ब्लेस किया और अभी सब कुछ नॉर्मल है संगत जी। उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत परेशान कर रही थी और बहुत निगेटिव चीज़ थी संगत जी, जिससे वो लोग गुरु जी महाराज की कृपा से बाहर निकल के आए। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, शुक्राना। आपकी कितनी बड़ियाई करो उतना ही कम है प्रभु, आप बहुत बहुत शुक्राना आपका प्रभु कि आपका हाथ हम लोग के सर पे है, कि आज हम लोग इस इतनी कठिन जिंदगी को भी बहुत आसान तरीके से जी पा रहे हैं। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी।